बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी संगत को देख के, जैसे हम वहां पे देखते हैं तो लगता है कि गुरु जी का मंदिर यहाँ भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु जी से जब हम जुड़े तो 2010 में, तो हम पहले गुरु जी के बारे में बिल्कुल हमने सुना नहीं था, कभी उनका स्वरूप भी नहीं देखा था गुरु जी का। और मेरी गली में ही एक गुरु जी की संगत रहती थी और हम कभी ऐसे उनके मुंह से भी कभी नहीं सुना था। और मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, पैरों में दर्द, और मेरी एज बहुत छोटी थी उस टाइम, 40 के आसपास थी। तो वो आंटी, जैसे मैं वॉक वगैरह पे जाती थी तो एकदम से बंद हुआ, तो वो मुझे कहने लगी कि आप आजकल दिखते नहीं, मन का मुझे मेरे पैरों में बहुत दर्द है। और मेरे दर्द इतना था कि मैं एक कप चाय भी नहीं बना सकती थी, अगर मैं बना लेती थी तो मेरे से कप में नहीं डलती थी। तो वो कहने लगी कि आप ना हमारे गुरु जी के मंदिर चलो, तो हमने कभी सुना ही नहीं था। और हम शिव जी के मंदिर जाते थे, और मैंने आंटी को इग्नोर किया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, और बस हमने कुछ बोला नहीं, उन्होंने भी कोई दोबारा कुछ बोला नहीं, हमने कोई सत्संग भी नहीं सुना था गुरु जी का कोई किसी संगत से। तो उसके बाद बहुत टाइम बीत गया, 2-3 महीने, फिर एक दिन आंटी मिली, मुझे कहने लगी आप मेरा कहना नहीं मान रहे हो और आप गुरु जी के मंदिर चलो, आप ठीक हो जाओगे। इनका पता नहीं, गुरु जी का बुलावा था, लोग कहते हैं मंडे जाओ ये सब, वो मुझे नहीं पता। सैटरडे था और मेरी बेटी और मैं, बेटी को मैंने बोला चल आज आंटी कह रही हैं तो चल इनका गुरु जी का मंदिर देख के आते हैं। और मैंने अंकल को फोन किया कि हम आज ना गुरु जी के मंदिर जा रहे हैं, कहते जाओ। और हम चले गए, बेटी और मैं और आंटी और आंटी की बेटी। जब हम गए तो गुरु जी के बारे में कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। तो वहाँ शिव मूर्ति को देख के हमें, क्योंकि शिव जी की पूजा करते थे, बस मेरे को सिर्फ और सिर्फ शिव जी का ही मंदिर नजर आया वहाँ। और हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, चाय प्रसाद लंगर, वहाँ की जो शांति इतनी, जैसे जब हम मंदिर गए थे बड़े मंदिर, तो बिल्कुल ऐसा ही था, इतनी संगत थी जितनी आज यहाँ बैठी है। अब तो खैर बहुत ज्यादा पता ही नहीं लगता। और हम गए, मैं बड़ा अच्छा लगा, एक बार गए आंटी के साथ ही, दो बार गए, मंडे भी गए, थर्सडे गए, बहुत अच्छा लगता था जाते जाते। और हमें कुछ ऐसे पता ही नहीं कुछ भी, बजाते रहे क्या करना है क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं पता, पर ऐसे अच्छा लगा कि हम जब शिव जी के मंदिर जाते थे या फिर कुंभ वगैरह में जाते थे तो बहुत भीड़ होती थी वहाँ पे, यहाँ पे बड़े सिलेक्टेड लोग थे गुरु जी के मंदिर। मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता था मंदिर कि बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं और बड़ी शांति है और बहुत कम लोग हैं, भीड़ नहीं है ज़्यादा। और हम जुड़े और धीरे धीरे, मुझे नहीं पता लगा, जब मैं गुरु जी के मंदिर गई थी तो मुझे बुखार बहुत होता था, महीने में 2 महीने में, और होता था तो ऐसा होता था 1 महीने से पहले ठीक नहीं होता था। और फूड पॉइजन बहुत था मेरे को, वो भी जैसे बाहर का कुछ खाया फूड पॉइजन, मतलब मेरी हेल्थ बहुत खराब थी उस टाइम। और घुटनों में तो दर्द मेरे था ही, और एज ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे नहीं पता लगा, धीरे धीरे मेरे घुटनों में दर्द भी ठीक होने लगा। और फूड पॉइजन तो उसके बाद मुझे फिर हुआ ही नहीं आज तक, और उसके बाद मुझे बुखार भी नहीं हुआ। 12 साल हो गए मुझे गुरु जी के जाते हुए, उसके बाद मुझे बुखार नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे बहुत 2 साल बाद रियलाइज हुआ कि मुझे फूड पॉइजन भी नहीं हुआ और वो मुझे बुखार भी नहीं हो रहा। और जैसे मैं मार्केट वगैरह जाती थी, कहीं जाती थी तो मेरे सिर में भी बहुत दर्द होता था, तो मेरा वो भी गुरु जी ने ठीक किया। मेरी हेल्थ गुरु जी ने इतनी ठीक की कि मैं सोच नहीं सकती थी, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई उसके बाद, जब से मैं गुरु जी के गई। उसके बाद हमने अपनी, मेरी हेल्थ इतनी ठीक करी, उसके बाद हमने गुरु जी, बेटी का, मेरी बेटी अनमेरिड थी तो उसके लिए रिश्ता देखा, और गुरु जी ने उसकी शादी करवाई। जब हमने रिश्ता देखा तो गुरु जी के हमने ये सुना था कि पत्री नहीं मिलानी चाहिए, और हमने फिर नहीं मिलाई। तो हमने लड़का देखा और रिश्ता हो गया, लेकिन उन लोगों ने मिलाई थी।
तो उन लोगों को जो पंडित जी थे उन्होंने ये बोला था कि लड़की अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर इस लड़की के बच्चे नहीं होंगे। तो पर गुरु जी की देखो कृपा, गुरु जी को जो मंजूर, तो गुरु जी ने वो रिश्ता भी कराया। उसकी मदन इन लॉ कहने लगी बेटी की कि हमें लड़की पसंद है, बच्चा हो ना हो हम यही रिश्ता करेंगे। और गुरु जी ने रिश्ता कराया, 1 साल रिश्ता भी रहा, पर उन्होंने हमें ये बात बताई नहीं कि उनके पंडित जी ने ये कहा है। और शादी हो गई, शादी के बाद 6 महीने के बाद बेटी दुबई चली गई। तो 1 साल शादी को हो गया तो उनकी मदर इन लॉ कहने लगी, उन्होंने ये भी बोला पंडित जी ने, अगर बच्चे होंगे तो बहुत मतलब इलाज वगैरह कराना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा। तो उनके मदर इन लॉ ने कहना शुरू कर दिया कि बच्चों को बोलो फैमिली प्लान करें, क्योंकि उनको था कि टाइम लगेगा तो अभी से ही सोचें। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, उनकी एनिवर्सरी थी, 1 ही साल हुआ था शादी को, और वो कहने की मम्मी हम घूमने जा रहे हैं, आके बात करेंगे। आके अगले महीने ही, कोई गुरुजी ने इलाज नहीं कराने दिया, कोई वेट नहीं कराया, अगले महीने ही बेटी ने कंसीव किया। और उसकी सास ने तब उन्होंने मदर इन लॉ ने बताया कि ये कैसे हो गया, हमें तो पंडित जी ने बोला था कि इसके बच्चे नहीं होंगे, होंगे तो बहुत इलाज कराना पड़ेगा। पर गुरु जी की कृपा थी। और गुरु जी देखो, जब गुरु जी ये काम करते हैं तो गुरु जी बताते भी जरूर हैं, हमारे को उस टाइम आइडिया नहीं था कुछ भी ऐसा गुरु जी के बारे में। और बेटी ने कंसीव किया, और जब बेटी के बच्चा 15 दिन पहले डिलीवरी से गुरु जी ने सपने में आकर के उसको बताया कि गुरु जी ने पंजाबी में ही फोन किया बेटी को कि एक गल दस। तो बेटी ने कहा कि बोलो गुरु जी कि तुझे बेटा चाहिए कि बेटी। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता गुरु जी, आप बताओ। मेरी बेटी गुरु जी की बहुत ज्यादा वो भगत है, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता गुरु जी, आप बताओ। तो कहने लगे मैं तो तुझे बेटी देना चाहता हूँ। कहती ठीक है गुरु जी। पर जैसे पुराने लोग होते हैं ना, जैसे कई लोग बोल देते हैं कि इसका तो लड़का ही होगा, जैसे कई लोगों को पता लगता है। तो उनके घर में भी एक ऐसी लेडी है जिसकी बात कभी झूठी नहीं होती, उसने बोला हुआ था कि इसको लड़का होगा। तो उसने अपनी मदर इन लॉ को सुबह बताया कि मुझे तो ऐसे ऐसे सपना आया है। कहती ऐसे आया तुझे सपना, ऐसे सच्चा नहीं होता, बेटा होगा। तो ठीक है, 15 दिन बाद जब डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी गुरु जी ने कराई, और उसके बाद उसको बेटी हुई। तो मतलब उनकी मदर इन लॉ को बड़ा ही धक्का सा लगा कि ये ऐसे कैसे हो गया। अभी फिर वो रोज बोलने लग गई कि अरे हमारा था तो बेटा ही, तेरे गुरु जी ने ना बेटी कर दी। क्योंकि गुरु जी हमेशा जब ब्लेस करते हैं तो बेटियां ही ब्लेस करते हैं। तो वो बार बार बोलती थी। तो देखो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, इतनी जल्दी दूसरा बच्चा करते नहीं, पर गुरु जी ने देना था। तो उन्होंने 6 महीने बाद ही बेटी दोबारा कंसीव करा और बेटा दिया उसको गुरु जी ने। तो बेटा भी दिया, बेटी भी। और वही कहते हैं ना, जब गुरु जी के ये सत्संग है, गुरु जी ने बोला हुआ है कि जिसके बच्चे नहीं लिखे होते उसको गुरु जी उसकी फैमिली जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो मेरी बेटी के 1.25 साल में दोनों बच्चे कंप्लीट किए, बेटा और बेटी। और फिर उन्होंने बेटी की पत्री बनवाई। तो फिर उनको किसी ने कहा कि मंगलिक है, ये है, वो है। पर वो जैसे वो पुराने वाले पंडित के पास गए तो उन्होंने कहा आपको किसने कहा, ये तो शिव जी भगवान ने आपको बेटी दी है, इसको कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ ये ओम नमः शिवाय का जाप करे बस, और इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतनी प्योर सोल है। तो गुरु जी की ब्लेसिंग से मतलब गुरु जी बता देते हैं कि ये उनकी ब्लेसिंग है गुरु जी की। तो उसके बाद अंकल प्रवीण अंकल का सत्संग है एक, गुरु जी की सेवा करते हैं अंकल। तो मंडे को उनकी सेवा होती है सुबह 8 बजे से। तो बेटा अभी यहाँ आया ही था, US 1 ही महीना हुआ था इसको आए हुए। और अंकल मंडे मंदिर जा रहे थे सुबह, मार्च की बात है ये फरवरी में आया है बेटा। तो अंकल जैसे अपनी सेवा की जाने की तैयारी कर रहे थे, मैं अपना किचन में काम कर रही थी। तो अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई नहाते नहाते, और अंकल ने मुझे बताया नहीं। और अंकल ने गुरु जी के आगे जैसे जल प्रसाद रखते हैं, उनको जैसे लगा एक बाजू पहनी है शर्ट की, दूसरी नहीं पहने जा रही,
और आगे अंकल ने वो पानी पिया और मुझे नहीं बताया कुछ भी, मैं किचन में काम कर रही थी और अंकल ने 2-3 गिलास पानी पी लिए, तीसरा पीने लगे तो मैंने देखा अंकल के बहुत पसीना आया हुआ है, तो मैंने कहा क्या हो गया आपको इतना पसीना, इतनी तो गर्मी नहीं है, कहने लगे पता नहीं मेरे ना हाथ में यहाँ दर्द है। और देखो गुरु, वो गुरु जी ने उस वक्त जो, वैसे मेरे को इतनी अकल नहीं है कि मैं इतनी जल्दी डॉक्टर के भी ले जाऊं या कुछ करूं, ऐसे कुछ मुझे समझ में नहीं आता, बंदा सोच ही लेता है कि चलो वैसे ही होगा, और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। अंकल को पहले कोई दिक्कत भी नहीं थी, कोई तकलीफ भी नहीं थी, और मैंने कभी ऐसे किसी चीज के बारे में सुना भी नहीं, और गुरु जी ने, मैंने नहीं, और गुरु जी ने अंकल का हाथ इतना कस के मेरे को पकड़वाया कि अभी की अभी हम डॉक्टर के जाए और मैं हाथ ना छोड़ूं, और अंकल कहे कि नहीं मेरे को डॉक्टर के नहीं जाना, मेरे को सेवा में जाना है। मैंने कहा मैं तो आज जाने नहीं दूंगी, जब तक आप डॉक्टर के नहीं जाओगे मैं नहीं जाने दूंगी। और अंकल ने 1,000 रुपये जेब में डाले, हमें लगा नॉर्मल वैसे डॉक्टर को दिखा के आ जाएंगे, उस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं कि अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है या कुछ भी हुआ है। और मैं अंकल को हाथ पकड़े, हाथ ही ना छोड़ूं, और मुझे अपना होश नहीं कि मैंने क्या कपड़े पहने हैं, पूरे घर की लाइट जल रही है या अलमारी कोई खुली पड़ी है या कुछ भी है, और मैं अंकल को ले गई और हम लोग चले गए डॉक्टर के, और अंकल ने गाड़ी भी ड्राइव करी, ड्राइव करके हम फैमिली डॉक्टर जैसे जाते हैं ऐसे चले गए। और रात को एक सत्संग था पहले दिन, तो जल प्रसाद की बोतल रखी थी टेबल पे, अंकल बार बार पानी पी रहे थे, तो मैंने वो जल प्रसाद की बोतल उठा ली जाते जाते कि अंकल को प्यास बहुत लग रही है। और जैसे हम गए और डॉक्टर ऊपरी था, इमीडिएट डॉक्टर आया, उसने जो भी किया वो दवाई जो देती है उसने वो दवाई दी और बोला कि वो कंपाउंडर मेरे पास आया। अब ये हैरानी वाली बात है कि उसको मेरे हाथ में बोतल कैसे दिखी, और उसको वो हॉस्पिटल में भी मेरे पास आया कि आंटी आपके हाथ में जो जल प्रसाद जो पानी है ना वो दे दो, अंकल को दवाई देनी है। और गुरु जी ने उस जल प्रसाद से ही अंकल को दवाई दिलवाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको हॉस्पिटल ले जाओ, इनको दिक्कत है बड़े हॉस्पिटल, और इनको ना गाड़ी नहीं चलानी, और कहो तो एम्बुलेंस बुला देते हैं, नहीं तो किसी को बुला लो। मैंने अंकल को बोला एम्बुलेंस बुला लेते हैं, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा मेरे को, मैं चल पैदल चलते हैं देखते हैं बाहर। अंकल ने अपने दोस्त को फोन किया कि ड्राइवर भेज दो, तो उस ड्राइवर को तो हॉस्पिटल ही ना मिले। और जैसे ही हम बाहर निकले, एक गुरु जी की संगत, और जिनको पहले से ही दो स्टंट डले हुए थे, गुरु जी ने उनको हमारे सामने खड़ा किया। अंकल दिखे, कहने लगी आंटी आप यहाँ? मैंने कहा अंकल की तबीयत बहुत खराब है, आप ना अपनी गाड़ी कहाँ आपकी? कहती ये खड़ी। तो मैंने कहा अंकल को हॉस्पिटल लेके जाना है। और अंकल ने उन अंकल ने डॉक्टर को फोन करके और पहले से ही सब कुछ तैयारी करवा दी, और हम हॉस्पिटल पहुंचे पूरी टीम तैयार, और गुरु जी को बस मैं और वो अंकल, और 10 मिनट में अंकल को स्टंट डाल दिया उन्होंने कि अंकल को तकलीफ है आप बताओ। अब कोई भी नहीं, हम बेटे को फोन मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि इसको 1 ही महीना हुआ था, तो और मेरी बेटी भी गुड़गांव रहती है, वो भी किसी शादी में सूरत गए हुए थे, दोनों बच्चे पास नहीं, और मैं अकेली, और मेरे मतलब मैंने क्या, वो गुरु जी ने इतना मतलब 10 मिनट में, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और अंकल को जब रूम में लेके आए, अंकल मेरे से पूछे मुझे हुआ क्या है ये बताओ पहले, तो मैंने कहा जो होना था वो तो हो गया अब। तो इतना गुरु जी ने ब्लेस किया अंकल को कि उसके बाद अंकल ने 8 दिन भी रेस्ट नहीं किया, और सेवा भी, और उसके बाद जितनी बार भी अंकल टेस्ट कराते हैं अंकल की रिपोर्टें बिल्कुल मेरे से ज्यादा अच्छी आती हैं। तो गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं अंकल को, जो ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने वो बाकी, तो देखो गुरुजी मेरे लिए क्या है मैं बता नहीं सकती, गुरुजी ने इतना कुछ दिया है जो मैं सोच नहीं सकती, और बाकी सबको भी ब्लेसिंग गुरुजी की सबके साथ है, हर दिन हर पल सत्संग है गुरुजी के, पर लेकिन जो गुरुजी ने ब्लेसिंग मेन दी है वो यही है कि गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है और बनी रहे। जय गुरुजी।